प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहे हो तुम? अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। मतलब कांची भाई ने भगवान के नाम पे हेरा फेरी की? कल्याण मस्तु। ए बिल्ली मास्टर, तू एक शिक्षक होकर बेवकूफ बन गया। नहीं नहीं चाचा जी, उसने बातें इस तरह की कि मेरा उस पर विश्वास बैठ गया। अरे उसने तो मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है, ये देखो, ये मूर्ति असली होने का है, देखो भाई। भिड़े ऐसे फेक सर्टिफिकेट मार्केट में 50-50 रुपए में बिकते हैं। फेक डिग्री, फेक पासपोर्ट, फेक सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है बंबई में। अरे आत्माराम, सर्टिफिकेट तो 2000 साल पुराना भी बना सकते हैं। आता का है, गए हमारे 35,000 रुपए, हमारे नहीं सोसाइटी के। लेकिन भरने तो मुझे ही पड़ेंगे ना पोपटलाल, 1000 साल पुरानी मूर्ति के नाम पे ठग गया मुझे वो कांजी भाई। भिड़े भाई अब चिंता मत कीजिए, मूर्ति भले पुरानी नहीं थी लेकिन आपकी भक्ति तो सच्ची थी ना। मुझे गणपति बापा पर पूरा विश्वास है, आपका ये विघ्न भी जरूर दूर हो जाएगा। हाँ विघ्न हरता, विघ्न दूर कर रहे बाबा प्लीज। दूर है पापा। भिड़े अंकल, आपसे फ्रॉड करने वाले कांजी भाई को टपू सेना छोड़ेगी नहीं। हाँ बाबा। हाँ भिड़े अंकल। हाँ भिड़े अंकल। टपू सेना तुम लोग शांत रहो। भिड़े मास्टर, उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, कोई पता या कोई ऐसी बात जिससे उसके बारे में कुछ पता चल सके? हाँ हाँ, उसने मुझे अपना कार्ड दिया था। है मेरे पास कार्ड है। देखो देखो कार्ड, देखो जल्दी। है मैं फोन करता हूँ अभी। मूर्ति नकली है, सर्टिफिकेट नकली है, तो क्या गारंटी कि ये कार्ड भी नकली नहीं होगा? कोई भरोसा नहीं है बबीता। मैं ट्राई तो करूँ कम से कम। हाँ कीजिए। हेलो कांजी एंड ओनली कांजी, एंटिक मूर्ति सप्लाई। वो ओनली कांजी किधर है आपका? कांजी भाई तो हिमालय गए पुरानी मूर्ति ढूंढने। हिमालय में गए? अरे थोड़ी देर पहले तो पाउडर गली में था, गोरेगांव में, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? आ तो नहीं गए। बात करो उससे, बात करो। अभी नहीं भाई, बाद में फोन करना। हाँ अरे हेलो, ए ए ए कमल है क्या पड़े हो? अरे फोन काट दिया। फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है ये। अब क्या करेंगे? अरे क्या करें, क्या करें, क्या, चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। मूर्ति मूर्ति जरूर ले ले। ओ बिड़ो तो घबरा मत, कांजी भाई को हम पकड़ लेंगे। भी हो जाए लेकिन हमारे पैसे वापस मिल जाए बस। अबो ये रहा कांजी भाई। अबो हे कांजी भाई। अरे ये वो, ये देखो, ये कांजी भाई, ये देखो। आई तो परेशान बच रहे हैं। आई परेशान बच रहे हैं। जो स्माइल भी सीन है। परेशान हो गए हैं। हाँ हाँ वही है। भागे तो, सुस्वागतम। ये परेश रावल नहीं है भाई, ये उसका डुप्लीकेट है कांजी भाई। वैसे ही दिख रहे हैं पर नहीं। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या है माधवी? इसने मुझे ठगा है। ए डुप्लीकेट, हमारे पोले पाले पीढ़ी को बेवकूफ बनाते हो। अब ये बेवकूफ बनने को तैयार तो मैं क्यों ना बना। अच्छा
अब लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? पुलिस स्टेशन? हाँ। मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने? हाँ। क्या लिखाओगे? यही कि तुम फ्रॉड हो। नया मूर्ति को एंटिक पीस बताकर तुमने आत्माराम को बेच दिया। ये कंप्लेन तुम लिखाओगे ना, पुलिस वाले तुमको अंदर कर देंगे, डंडे से मारेंगे। हमें क्यों अंदर करेगी, क्यों डंडे मारेगी भाई? उल्टा मैं तुम पे केस करूंगा कि अंधश्रद्धा के नाम पे बेवकूफ बनते हो तुम लोग। अरे इसमें कैसी अंधश्रद्धा? अंधश्रद्धा नहीं, देखो भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंधश्रद्धा कभी नहीं होनी चाहिए, और श्रद्धा में भी समझदारी होनी चाहिए। मैंने कहा कि 1000 साल पुरानी गणपति की मूर्ति है, तब मान गए? ये भी मान के कि इससे आपका कल्याण हो जाएगा? और 250 की मूर्ति इन्होंने 35,000 में खरीद ली, क्या सोच के खरीदी? ये समझा था कि महंगी मूर्ति खरीदने से भगवान तुम्हें स्पेशल आशीर्वाद देंगे? ये अंधश्रद्धा नहीं है तो और क्या है? एकदम सच्ची बात है कंजी भाई। हाँ। ओ भिंडी मास्टर, श्रद्धा के नाम पर समझदारी पे ताला मार देना, ये अंधश्रद्धा है। कांजी भाई एक बात समझ में नहीं आई, जब आपने भिड़े मास्टर से 35,000 ठग लिए तो वापस यहाँ क्यों आए, किसी और को ठगने? इनके पैसे वापस देने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पैसे नहीं है, पूरी सोसाइटी के आप लोगों के पैसे, ये लीजिए। और 250 वाला खिलौना वापस दीजिए। थैंक यू सो मच। एक बात जरा बताएंगे, आपको पैसे देने ही थे तो फिर भीड़े भाई को ठगा क्यों? उनको सबक सिखाने के लिए दया भाभी, ये कि भगवान पे श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं, भगवान को रिश्वत देने से कोई काम नहीं बनता है। बराबर छे परेश भाई नहीं, कांजी भाई, कांजी लाल जी मेहता, KLM। नहीं नहीं कांजी भाई नहीं, परेश भाई आप इन सब लोगों को उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। अरे आप गुजराती रंग भूमि के कितने बड़े कलाकार हैं, मैंने बहुत नाटक देखे हैं आपके। परेश भाई अब इन सबको भी बता दो कि आप कांजी भाई नहीं, परेश रावल ही हो। इनकी बात सही है, मैं परेश रावल ही हूँ। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, बिंदास जा और उठा ले परेश भाई को। बिल्कुल, थैंक यू बहुत। क्या बात है, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि परेश भाई ने मुझे ठगा। अभिनंदन। समझ गया परेश भाई, आप हमारी सोसाइटी में क्यों आए? नहीं मुझे भी पहले ही पता चल गया था कि ये परेश रावल है। नहीं नहीं क्या है ना, अभी इनकी एक नई फिल्म आ रही है ना, ओ माय गॉड, है ना परेश भाई? वो फिल्म भी इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आधारित है ना, श्रद्धा अंधश्रद्धा। परेश भाई आपकी नई फिल्म के बारे में हमें भी कुछ बताइए ना, मैं तूफान एक्सप्रेस में जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। अरे फिल्म में भी यही बात कही गई है, ओ माय गॉड में, बड़े हिलेरियस अंदाज में, कि गॉड लविंग बनो, गॉड फियरिंग कभी मत बनो, भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। क्या बात है? ये बड़ी बात कही गई है, लेकिन हंसते हंसते वेरी कॉमिकल मैनर में कही गई। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओ क्रैक किया परेश प्रा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है। अंकल आपके पीछे का प्रोमो बहुत जबरदस्त है और उसमें वो सॉन्ग गो 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 गोविंदा तो सुपर है। थैंक यू जी। टप्पू के पापा तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, अभी मैं उनको कहूंगी ना कि आप यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में आए थे तो ये सुनकर उनको इतना अफसोस होगा कि वो यहाँ क्यों नहीं थे। और जब अभी टप्पू के पापा जरा एक अंगत काम से बाहर गए हैं, लेकिन जब भी आपकी कोई भी फिल्म देख के आते हैं ना तो हमेशा बोलते हैं अरे परेश भाई रावल हमारे गुजराती कलाकार, गुजरात नो गौरव छे, अरे कितनी तारीफ करते हैं ना, बात ही मत पूछो। थैंक यू। अरे दया भाभी सिर्फ जटा भाई नहीं, हम सब परेश रावल के बहुत बड़े फैन है।
मैंने उनकी फिल्म देखी थी फंटूस, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओ परेश परा, ओए लकी लकी, ओए मैं क्या सरदार जी का किरदार निभाया था आपने। वो पिक्चर देख के तो मुझे पेन किलर लेनी पड़ी थी। पूछो क्यों? क्यों? और जी पिक्चर में हंस हंस के पेट दुखना शुरू हो गया था। और वो पेन किलर की गोली मैंने दी थी, मैं डॉक्टर हूँ ना। सही बात है। आपकी फिल्म देखने के बाद नेक्स्ट डे मेरा कंडा दुखता है। वो क्या है ना, पिक्चर देखते हुए रोशन आंखों वकत मुझे ओए की फिल्म में सोनी है, ओए क्या जोक है सोनी है, ऐसा करता रहता है। वैसे परेश भाई, आपने जो वो हेरा फेरी में रोल किया था ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत बढ़िया। सर एक बार वो डायलॉग बोल के दिखाइए ना। बाद में। अरे मैं बोल के दिखाऊं? देवी प्रसाद जाओ मायला, तेरी मच्छी को तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। थैंक यू वेरी मच। परेश जी, तमन्ना मूवी में आपके इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए आपको हैट्स ऑफ। आपकी सुपर परफॉर्मेंस की फिल्मों की लिस्ट बनाएंगे ना, तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी बाबा। थैंक यू जी। परेश भाई, वो आपने हथियार फिल्म में शेट्टी का रोल किया था ना, साउथ इंडियन कैरेक्टर, बहुत अच्छा किया था। परेश भाई आप यहाँ तक आए हैं तो हमारे घर पर आइए ना, वही है हमारा घर। ठीक है, मैं बाद में, आज नहीं फिर कभी आऊंगा। खाना खा के जाइयो ना प्लीज। फिर कभी आऊंगा ना। फिर कभी, जो भी सेलिब्रिटी आता है ऐसे ही कहता है फिर कभी। फिर कभी अभिषेक भाई बच्चन, सलमान भाई खान, अजय भाई देवगन, असित बेन, करीना बेन कपूर, सब लोग ऐसे ही कहते हैं फिर कभी। आप तो गुजराती हो, आप तो आइए ब्लज। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पक्का आऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पे आऊंगा, अगर आप सब लोग पूरी सोसाइटी के साथ ओ माय गॉड देखने को जाएंगे। पक्का, पूरी सोसाइटी के साथ। हम लोग ये पिक्चर चौकस देखने जाएंगे, क्यों रोशन? ओ बिल्कुल मेरी जान रोशन, और पूरी सोसाइटी को साथ में लेके जाएंगे। बोलिए गणपति बाप्पा। ठीक है तो मैं बाद में आऊंगा, बाय बाय। देखिए मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल पिडू बोल, शर्मा मत। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सोसाइटी का जिम्मेदार सेक्रेटरी होते हुए भी मैंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। सोसाइटी का पैसा मैंने अपने स्वार्थ के लिए खर्च किया, और वो भी अंधश्रद्धा के नाम पर। एक शिक्षक होते हुए भी मैं ये गलती कर बैठा। देखिए मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बड़े मास्टर, कोई बात नहीं यार। अरे तुम तो इतना अफसोस जता रहे हो जैसे कि सर्दी की बीमारी हो गई हो और किसी का ऑपरेशन कर दिया हो। अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारी जगह अगर हम में से भी कोई होता तो शायद बेवकूफ बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल भिड़े भाई, गलती किससे नहीं होती, इंसान से ही होती है ना गलती। कोई बात नहीं भिड़े, होता है। अरे भिड़े भाई। अरे वसंत। हाँ, ये लीजिए आपकी सोने की चेन, और मुझे मेरे 35,000 दे दीजिए। आप यहाँ? हाँ, यह सबने मुझे फोन किया कि यहाँ पे आपकी चेन लेके आऊँ और अपने पैसे ले जाऊँ। हाँ, एक मिनट, ये रहे पैसे। थैंक यू वेरी मच वसंत। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, लोग 6-6 महीने तक वायदे करते हैं और टाइम पे कोई पेमेंट नहीं करता, पर आपने तो पहले ही वायदे पे पेमेंट नहीं था, 35,000 से महंगी चेन मुझे दे दी। अरे भाई, हमारे भिड़े मास्टर ऐसे वैसे सेक्रेटरी नहीं है, एकदम सिद्धांतवादी सेक्रेटरी है। हाँ, एक में वो सिद्धांतवादी सेक्रेटरी। सही बात है, चलता हूँ सर। हाँ, थैंक यू सो मच। अय्यर थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके आत्मराम, और फिर से एक बार सभी को सॉरी। हाँ, अरे भिड़े भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ओ भिड़े छाट ना यार, वो क्या सॉरी 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 किया जा रहा है, अब अगर तू सॉरी बोला ना तो हम सब तुझसे नाराज हो जाएंगे। माफी माफी माफी, अब दे दी ना भाई, कितनी मांगोगे और माफी।
और वैसे ये थ्रिलर प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया जी, अभी आगे गणेश उत्सव में क्या स्पेशल प्रोग्राम है ये बता। भाई सोड़ी, प्रोग्राम का आयोजन करने का काम तो टपू सेना का है, लेकिन सभी के लिए एक विशेष सूचना ये है कि शाम को समय पर आरती पर आ जाना, और खासकर महिला मंडल, आप सभी को शाम को आरती के लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया आरती की थाली सजा कर लाना है। और प्रसाद भी। तो बोलो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। टप्पू, बीड़ा अंकल ने कहा है ना गणपति प्रोग्राम सोचना हमारा काम है, तो अब क्या करें? हाँ टप्पू, इस बार गणपति उत्सव में क्या प्रोग्राम रखें? ओ टप्पू, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। नहीं सुना? तो सुनो, हम कुश्ती का प्रोग्राम रखते हैं। कुश्ती? कुश्ती? दादाजी सच कहते हैं, सच के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और तुम लोग सब डरो मत मुझसे। ए भाई बस 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 भाई बस, प्लीज यार तू पक्का मत। देख, हमें कुश्ती का प्रोग्राम नहीं रखना, ठीक है? वैसे भी गोकुलधाम में हर दिन कुश्ती होती ही रहती है ना, पर वो हंसी की कुश्ती होती है। कुछ भी हो, कुश्ती का प्रोग्राम कैंसिल। टप्पू, फिर क्या प्रोग्राम सोचे? ओ टप्पू, मेरे पास दूसरा आइडिया। नहीं सुनना है यार। गोली, हम लोग खाने का कंपटीशन रखते हैं। टप्पू सुना, सुपर आइडिया यार, वाह गोगी वाह, पहली बार दिमाग लगाया यार। और बस बस, तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ और तुम लोग सोचना बंद करो, तुम लोग वहां पर जाके बैठ जाओ। बैड लक। हम तीनों सोच रहे। टप्पू, इस बार कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे धमाल हो जाए। हाँ यार, हम तो ऑर्गेनाइजर हैं, इसलिए हम ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स को मजा आए। हाँ वो टप्पू, तुझसे ग्रेट हो, मजा आ गया। टप्पू, हमें जल्दी कोई प्रोग्राम सोचना होगा। डोंट वरी पिंकू, हमारे पास आज रात तक का वक्त है ना, और हमारे प्रोग्राम के अनाउंसमेंट आज के आरती के बाद होगी। हाँ। मित्र, देखा आपने कि हमारे भिड़े साहब को परेश रावल ने किस तरह से सबक सिखाया। भाई आज उनकी फिल्म, परेश रावल जी की फिल्म ओ माय गॉड रिलीज हुई है। फिल्म से जुड़े सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और अब यहाँ गोकुलधाम में गणेशोत्सव में क्या कार्यक्रम होगा, टप्पू सेना ये बताएगी आरती के बाद। सस्पेंस है भाई, ये टप्पू सेना भी बड़ी कमाल की, हर चीज को सस्पेंस में रखती है। आरती के बाद बताएंगे कि क्या होगा। भाई देश में भी वैसे कितने सस्पेंस है, कितने सारे घोटाले होते हैं, लेकिन किस घोटाले के पीछे कौन सा नेता है नहीं पता। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन में मत आइए, मैं आपको सस्पेंस में ज्यादा देर नहीं रखूंगा। मैं बता देता हूं, यहां पे एक अनोखी अंताक्षरी होने वाली है, जिस अंताक्षरी का मजा आप उठाएंगे सोमवार की रात 8:30 बजे। भाई कल आप सभी के यहां तो गणपति का विसर्जन हो जाएगा, लेकिन हमारे यहां भी कुछ दिन बाकी है। ये उल्टा चश्मा जो है, यहां कोई काम सीधा होता ही नहीं, लेकिन एक काम सीधा साधा है, बिल्कुल सीधा, आपके घरों में मनोरंजन पेश करने का। तो सोमवार की रात 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा, और उसके पहले कल रात को यानी शनिवार की रात ठीक 10 बजे। वाह वाह क्या बात है, देखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।